कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और मैं जैसा बताना चाह रहा हूँ, बालक आप पीछे सुन लीजिएगा, ठीक है? सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं ना आप लोग मुझे? हाँ जी सर, सर जी या ना सर जी बोलिए, ठीक सर है? ठीक है, देखिए आज की जो चर्चा हम शुरू कर रहे हैं, ये मेरे साथ आप लोगों का पहला इंटरेक्शन है, हमारी पहली चर्चा हो रही है। और चूंकि मैंने पिछले चर्चा में आपसे बताया था कि हम 6 तरह के आयामों पर बात करेंगे, 6 आयाम में मैंने बताया था कि पहला होगा बॉडी लैंग्वेज का, दूसरा होगा राजभाषा नियम अधिनियम, तीसरा मैंने बताया था कि आपको ई टूल्स पे मैं ले चलूंगा, चौथा मैंने बताया था कि राजभाषा से संबंधित प्रावधान नियम अधिनियम से ही आते हैं लेकिन प्रावधान थोड़ा सा अलग ढंग से हम बात करेंगे, और फिर मैंने बताया था कि बैंकिंग शब्दावली से हम कुछ बातें करेंगे, और बैंकिंग शब्दावली के बाद थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पे बात करेंगे, बैंकिंग से जुड़े हुए संबंधों पे। तो आज की चर्चा में हम थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पे बात करेंगे, और बॉडी लैंग्वेज पे मैं बात करूं तो मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग किस लेवल तक का कॉन्फिडेंस जुटा पाए हैं। बॉडी लैंग्वेज का पहला सूत्र होता है कि आप जब भी बात करेंगे जिससे, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, मान लीजिए पैनल में 5 लोग बैठे हुए हैं, तो जो भी आपसे प्रश्न कर रहा है आप उनकी आंखों में आंखें मिलाकर के बात करेंगे, आई टू आई कांटेक्ट होता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अपने बॉडी को स्टिफ नहीं करना है, शरीर अकड़ा के नहीं बैठना, इस तरह से आपका सामान्य ढंग से जैसे घर में चाचा भैया के साथ बैठ के बात करती हैं वह पोजीशन रहेगा आपका, किसी तरह का तनाव सिर पे नहीं रखना है। और आपको यह सोच के जाना है कि यह जो इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू सिर्फ मेरी पर्सनालिटी जांच के लिए हो रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब मन में यह भावना रहेगा, इससे फेल पास का भले ही होता हो लेकिन मन में यह भावना रहेगी कि फेल पास से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना बेस्ट प्रदर्शन करूंगी या करूंगा, तो आप समझिए इसमें किसी तरह की अड़चन आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहला मैं सवाल करूंगा, स्वाति आप वीडियो ऑन करेंगी, स्वाति जी सर, मैं कर रही पांडे हूँ। जी। सर एक मिनट। हाँ, बाकी सबको मैं ऐसे 5-5 मिनट सबसे मैं बात करूंगा, ठीक है? आप वीडियो ऑन करिए, एक तरह से ट्रायल और एडवाइस दोनों रहेगा आपके लिए। अगर स्वाति से नहीं हो पा रहा है तो फिर बीना शर्मा जी, हाँ स्वाति आ गई, वेरी गुड स्वाति, मैं देख पा रहा हूँ नमस्ते सर। आपसे। जी नमस्ते, आपसे मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा, बाकी लोग ध्यान से देखेंगे हम दोनों को, ठीक है? स्वाति जी मैं शुरुआत करूं इसके पहले मैं जानना चाहूंगा आप अपने बारे में कुछ बताएं। हाँ, सबसे पहले मुझे मेरे बारे में बताने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि आपको मेरे डॉक्यूमेंट से पता ही लग जाएगा कि मेरा नाम स्वाति आई पांडे है। कांटेक्ट नहीं होता है स्वाति, होल्ड ऑन, आप जो बोल रही हैं आंख बंद कर रही हैं, खोल रही हैं, पूछने वाले की आंखों में आके डाल के बात करनी है आपको, ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट वंस अगेन। जैसे मुझे सबसे पहले मेरे बारे में बताने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम स्वाति पांडे है और इस आने वाली 18 मार्च को मैं 24 वर्ष की हो जाऊंगी। मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला से आती हूँ और मैं एक मध्यम साधारण वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पिताजी भारतीय वाय होल्ड ऑन होल्ड ऑन, आपको यह सब बताने की जरूरत नहीं कि मैं मध्यम, आप मनुष्य हैं यह काफी है, कभी अपने आप को वो मध्यम उच्च उस वर्ग में फंसाना ही नहीं है, ठीक है? आपको सिर्फ इतना बताना है कि मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक जिले के, अगर आपको गांव बताने का मन है तो गांव बता दीजिए, नहीं बताना है तो भी चलेगा, मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से आती हूँ, और फिर उसके बाद आप अपने स्टडीज पे लेके जाइए, जी ठीक है? कि मैंने ये, चलिए स्टार्ट करिए। हाँ, स्टार्टिंग से सर, नहीं, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से आती हूँ
और वर्ष 2019 में मैंने अपनी बीए की पढ़ाई राजस्थान के जय नारायण विश्वविद्यालय से कंप्लीट की है, और उसी विश्वविद्यालय से मैंने एमए हिंदी साहित्य की भी पढ़ाई वर्ष 2021 में की है, और इसी वर्ष जनवरी में मैंने पीजीडीटी का कोर्स भी कंप्लीट किया है, जिसके परिणाम का भी मुझे इंतजार है। बस इतना ही और कुछ अपने और बारे में जब बताना है, ध्यान दे, सभी लोग ध्यान दे, अपने बारे में जब बताने के लिए कहा जाए तो उसमें मुख्य चीजें क्या होती है? आप सामने वाले को अपनी उपलब्धियां बताना चाह रही हैं। मान लीजिए ठीक है, आपके बायोडाटा में बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं लिखी होंगी, तो आपको अपनी उपलब्धियां बतानी है। जैसे मान लीजिए आपने बता दिया कि मैंने ग्रेजुएशन ये किया, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से किया, इस विषय में किया, मैंने यह पढ़ाई किया, उसके बाद आपको बताना है। जैसे मान लीजिए कि आप मॉनिटर रही हैं, सर मैं क्लास 10th में मॉनिटर रही हूँ, मैं इस खेल कूद में या इस विधा में मुझे इतने इनाम मिले हैं, अपनी जो भी उपलब्धियां आप बताएंगी, हाईलाइट करेंगी, ध्यान रखिएगा ठीक है। उसके बाद कुछ पढ़ाई के अलावा क्या करती हैं अलग से, उसके बारे में भी आप कुछ बताएंगी ठीक है। चलिए उसके बता आगे, जहां पर आप बता चुकी हैं वहां से फिर आगे शुरू करेंगे। सर, मेरी कुछ रुचियां हैं जिसमें से प्रमुख कुछ, मैंने प्रतियोगिताओं में अपने स्कूल से लेकर कॉलेज के सभी स्तरों पे कभी ना कभी पार्टिसिपेट किया है। होल्ड ऑन, आपका जो मूवमेंट है वो जी इंटरव्यू लेने वाले की तरफ नहीं हो रहा है, आपके जो आंखें हैं, निगाहें कहीं और जा रही हैं। आपको मैंने क्या कहा कि जो भी आपसे आपका साक्षात्कार ले रहा हो, आप उनसे आई कांटेक्ट रखना है ठीक सर, है। एक्चुअल तो मैंने जो अभी लेआउट जो आ रहा है ना, तो आपका जो सेक्शन है ना वो नहीं, थोड़ा मुझे नहीं देखना लेफ्ट है है। जी आपको, आपको मुझे नहीं देखना है, आपका जो आपको जो देखना है जिस तरफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके कैमरे में देखना है। ओके अभी तो सर। आप अपने कैमरे से बात कर रही हैं ना, जी, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मेरी कुछ रुचियां हाँ हैं, और उन रुचियों में कुछ प्रतियोगिताओं में मैंने प्रतिभाग कभी ना कभी पार्टिसिपेट किया है अपने स्कूल से लेकर कॉलेज ज्यादा के सभी स्तरों पे। जैसे कि मैंने अपने कॉलेज के टाइम में एक यूथ पार्लियामेंट, लंबा नहीं, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट। हेलो आवाज सुन पा रही है मेरी? जी सर, ठीक है चलिए शुरू करते हैं आगे, उसके आगे बढ़ते हैं। सर मैंने कुछ प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, जैसे कि स्पीच कंपटीशन, क्विज कंपटीशंस, यूथ पार्लियामेंट, और इसके अलावा मुझे ड्राइंग, पेंटिंग और कुकिंग में भी थोड़ा बहुत, खाना बनाने में भी इंटरेस्ट है। और वेरी गुड, बस रुक जाइए, इसके ऊपर आप लोग मंथन कर लीजिएगा, सभी लोग इस पॉइंट पे ध्यान देंगे ठीक है, याद रहेगा। जी एक मिनट, नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए मुझे सुन पा रही है ना अभी? हेलो स्वाति, जी सर, एक मैं मिनट, सुन आपकी पा रही हूँ आवाज आपको। नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा। हाँ अब बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? चलिए हाँ सर, वेरी आवाज आ रही है। गुड, हम फिर एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सभी लोग, जो लोग भी हैं,
आप लोग अपने बारे में कम से कम अधिक नहीं बोलना है, 2 से 3 मिनट में आपको असिमिलेट कर देना है। जैसे कॉलेज के जमाने में विभिन्न प्रतियोगिताओं में मैं भाग लेती रही हूं और मेरा यह स्थान रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तैयारी करें, तब तक मैं, और कौन है नेक्स्ट? नंदिनी माइक वो ऑफ कर सकती हैं आप अपना स्क्रीन। नंदिनी, नंदिनी आप वो करें। सर यहाँ दो नंदिनी हैं, आप हाँ, किसकी वो बात कोई कर रहे नंदिनी हैं? आ जाए, दोनों में से कोई भी तो पहले आ सकता है ना। आप ऑन कर लीजिए नंदिनी शाओ। जी आप में से कोई भी अंकल। जिनको जो तैयार हो अपना माइक वीडियो ऑन कर लें, जो भी आप में से तैयार हो वीडियो ऑन करिए। मैं एक बार आप लोगों का देखना चाहता हूँ, वो बॉडी लैंग्वेज देखना चाह रहा हूँ कि आप बात कैसे करती हैं वहां इंटरव्यू में। ऑन कर नंदिनी, माइक ऑन करो। जी अंकल करती हूँ, एक मिनट। देर हो रही है। नंदिनी जी तब तक आप करिए, मैं करती हूँ उसके बाद। हाँ गुंजा जी, हम क्लास में बैठी, क्लास के बाद कॉल करी। ठीक है, ठीक। हाँ नेक्स्ट कौन है? बीना, टाइम मत वो करें, आप लोग एक एक करके ऑन होते जाएं, 10 ही लोग तो हैं। चलिए बीना शर्मा जी, बीना शर्मा जी जी सर, आप हाँ वो की जी सर, आप वो ऑन करिए ना, मैं ऑन वीडियो ऑन करिए। कॉन्फिडेंस लेवल जी देखना है मुझे, ज्यादा वो नहीं है सर, जो। जी सर, हाँ ठीक है, वीना जी जब भी आप बैठेंगी जी ध्यान सर, रहिए, चेयर अगर हो तो आराम से बैठेंगी। सर हाँ मैं सर, अब तो मैं आपके चेयर बारे कर में सकता जानना हूँ सर चाहता आपको। हूँ। आप अपने बारे में मुझे बताएं। सर मेरा बोले सर, हाँ, हमारी तरफ नहीं देखना है। धन्यवाद सर मुझे ये अवसर देने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए। मेरा नाम बीना शर्मा है, मैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में से आई हूँ। मैंने 2013 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किया है। उसके बाद 2017 में मैंने इग्नू से हिंदी में मास्टर्स किया है। उसके बाद मैंने पीजीडीटी का कोर्स 2021 में कंप्लीट किया है। सर 2013 में मैं एक टेली शॉपिंग कंपनी में एज ए टेली कॉलर के रूप में जॉब किया है। 2014 में मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया था, जहाँ पर मैं एक एज ए टीचर के रूप में काम की हूँ। उसके बाद 2018 से 2019 तक मैं एक स्कूल में पढ़ाई हूँ, वहाँ पर मैं बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा देती थी। तो इसके एक अलावा मिनट मैं आपको रोकूंगा, बिना 1 मिनट मैं जी रोकूंगा। सर, जी सर, आपको मैंने कहा, मैंने आपको यह बताया कि आपको स्पष्ट रूप से छोटे में बोलना है, तो सर मैंने स्कूल में पढ़ाया है, एक एनजीओ में मैंने काम किया है, यहाँ से शॉर्टकट में निकल जाना है। ठीक है, जी और सर, आपने जो अगर अपने पढ़ाई के बारे में आप बता रही हैं, तो पढ़ाई के बारे में जी सिर्फ सर, आप इतना बता जाइए कि मैंने ग्रेजुएशन हिंदी विषय से किया है इस यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएशन इस यूनिवर्सिटी से इस विषय में किया, दैट्स ऑल, उतना काफी रहेगा। ठीक है, अच्छा सर, क्योंकि मतलब फिर ईयर नहीं अधिक, बताना ना सर। हाँ अधिक बताने का मतलब है समय अधिक जाएगा ना। ठीक है, आगे अच्छा बढ़े हम सर, लोग। चलिए, मैं जी थोड़ा सर, सा आपसे हट के प्रश्न करूंगा। बीना, सिंस यू हैव कम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई वुड लाइक टू नो योर पॉलिटिकल ओपिनियन अबाउट द पॉलिटिकल हैपनिंग्स इन वेस्ट बंगाल। सर अगर अगर नहीं समझ पाई जी हो तो आप फिर से कहेंगे कि सर सुन नहीं पाई, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, डरने की बात नहीं है। हाँ हाँ सर, सर सर मुझे थोड़ा सुनाई नहीं दिया, तो फिर से आप क्या रिपीट कर सकते हैं? नहीं सुन पाया मैं, आपको फिर से बोले।
मैं सुन नहीं पाई सही से, तो क्या आप एक बार रिपीट कर सकते अच्छा हैं? हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि सिंस यू हैव कम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई वुड जी लाइक सर, योर ओपिनियन अबाउट द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो इन योर स्टेट। समझ पाई पॉलिटिकल मैंने क्या कहा? सिनेरियो मैंने कहा पश्चिम बंगाल के का ही बारे में है आप पूछ रहे हैं? और आपके आपके हाँ राज्य में पॉलिटिकल सीनेरियो क्या, पूछा किसी से भी पूछा जा सकता है। तो आपको जब ऐसे प्रश्न मिले, कई बार ऐसे प्रश्न जी सर, करते हैं लोग भले ही आपको ईज पे करने के लिए या आपको कठिनाई में डालने के लिए, तो आपका जवाब होगा सर कि मैं उस राज्य में रहती हूँ, पॉलिटिकली सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये बोल के हट जाना है। आपको न इधर रहना है ना उधर रहना है, और बताना है कि सर मैं सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जब सर थोड़ा वोट सा देना नेटवर्क होता है। प्रॉब्लम आपके हो रहा है, इसलिए मेरा आवाज क्लियर, आपका आवाज नहीं आ रहा तरफ सर, आवाज क्लियर नहीं से आ रहा नेटवर्क सर। प्रॉब्लम? हाँ अभी देखिए, अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो, हाँ सर, हाँ सर, अभी आवाज हाँ सुन पा रही हैं? ठीक है, आपको देखिए ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ इतना बता के निकल जाना है कि सर मैं एक जिम्मेदार शहरी के समान वक्त पर अपना मत डालकर आती हूँ, और चूंकि मत किसे दिया यह गुप्त रखा जाता है, तो इसके बारे में चर्चा नहीं की जाती, और फिलहाल पॉलिटिकल सिनेरियो ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, इससे अधिक नहीं बोलना है, ना खराब ना अच्छा, सभी लोग ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, क्लियर है? अपने बारे में आप तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करने लायक स्थिति होनी चाहिए, और आप करेंगी क्या, मिरर के सामने बैठ करके अपने बारे में बताने का प्रयास, खुद को ही बताने का प्रयास करेंगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट मैं आपसे लेना चाहूंगा, वंदना साव जी, अल्फाबेटिकली मैं बुला आपको लेता हूँ, देखेंगे वंदना साव। हाँ आप ऑफ कर दीजिए, वंदना साव जल्दी मैं कुछ करिएगा, आप लोग देरी करेंगे नहीं पिछले। सर, वंदना जी अपना वीडियो ऑन करेंगी, वंदना अगर नहीं सुन पा रही हैं तो नेक्स्ट, बीना शर्मा से मेरी बात हो गई है, नेक्स्ट नंदिनी आ जाओ, नंदिनी। जी सर, जी हाँ हम आप ये तो बंद लोग लेट, हाँ वंदना ऑन करिए, लेट नहीं करना, मैं बोलूंगा आप लोग कंसंट्रेट करिए तभी आप दूसरे को भी सुन पाएंगी। जी सर, वंदना अपना वो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए, मैं सिर्फ जी सर, कॉन्फिडेंस लेवल आपका देखना चाह रहा हूँ, घबराने की बात नहीं, कुछ कमी होगी तो मैं राय दूंगा, ठीक है? जी सर, मैं चलिए वंदना जी, प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सर, मेरा नाम वंदना शाह है, मैं उत्तर 24 परगना होल्ड के टीटागढ़ शहर से आई ऑन, हूँ। होल्ड ऑन, मैंने क्या कहा आपसे? वंदना प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, किस भाषा में मैंने पूछा? सर इंग्लिश में, अंग्रेजी में, तो आपको प्रयास करना है अंग्रेजी में बोलने का, ठीक है? उससे क्या, चूंकि बैंक में जाएंगे भले ही आप हिंदी अधिकारी बन करके जाएं, आपको केरल जैसे क्षेत्र कोई भी ऐसा मिला तो वहां अंग्रेजी में भी बोलनी पड़ सकती है ना, दोनों भाषाओं पे कमांड देखा जाता है। चलिए स्टार्ट। जी, माय नेम इज वंदना शाह, आई कम नहीं फ्रॉम नहीं होल्ड ऑन, नॉर्थ। होल्ड ऑन सर, आई एम वंदना साहब, जी ठीक है, एंड आई कम फ्रॉम बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सर, आई एम ए नेटिव ऑफ, चूंकि आप बड़ी हो गई है ना, तो आई एम ए नेटिव ऑफ नॉर्थ 24 परगना जिला ऑफ, या तो टीटागढ़ बोल दीजिए, ऑफ नॉर्थ 24 परगना जिला ऑफ वेस्ट बंगाल, और फटाफट अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता लीजिए। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन हिंदी, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी एंड आई कांटेक्ट, कैमरे से आंख हिलनी नहीं चाहिए। हाँ जी चलिए बस, सर, और कोई अचीवमेंट तो है नहीं। अरे बाबा अचीवमेंट नहीं है सर, आई हैव कंप्लीटेड, वो तो आपने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बता दिया, आप ये बता सकती हैं ना कि इसके पहले कोई परीक्षा पास की है? जी सर, जेस्टी हाँ तो सर आई हैव क्वालिफाइड इन जूरियन हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अपार्ट फ्रॉम दिस आपने जीवन में कुछ तो किया होगा, कुछ तो तरक्की किया होगा,
सर जो है पढ़ाई से रिलेटेड ही है। सर पढ़ाई ही बताइए ना, आपसे अलग तो कुछ पूछा नहीं जा रहा, जो कुछ है जो पूछा जाए उस पर ध्यान देना है, ठीक है। जी सर चलिए नेक्स्ट नंदिनी ऑफ कर लीजिए, अपने बारे में थोड़ा सोचिए, दूसरे का प्रश्न लीजिए जी आप। अंकल हाँ नंदिनी, बाकी जो लोग बचे हैं वो भी ध्यान दें कि आप लोग जब मैं कहूंगा माइक ऑन करेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, माइक कह रहा हूँ, चलिए अपना कैमरा ऑन करेंगे और फिर बात करेंगे। चलिए नंदिनी कैमरा ऑन करिए। जी अंकल ठीक है फाइन। नंदिनी वेयर आर यू फ्रॉम? सर आई एम फ्रॉम नैहती, बंगला बोल। सर आई एम फ्रॉम नैहती ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 पीजीएस एंड सर आई एम फ्रॉम कोलकाता मेनली। इतना क्यों डिफरेंसेस क्यों? मतलब थोड़ा ना आप घबरा गए, इंग्लिश में बोले नहीं थे ना इसलिए। तैयार रखना अपने आपको, ठीक है। और आपको कैमरा जब भी नेक्स्ट टाइम हम लोग बैठेंगे ना तो कैमरा आपको आई लेवल पे रखना है, नीचे नहीं रखना है, ठीक है। कोशिश करना कुछ नहीं, चार पांच किताब रख करके उसके ऊपर रख लेंगे, क्योंकि तो मैं वो देखना चाहता हूँ आई कॉन्टेक्ट आपका कैसा जा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नंदिनी, योर बायोडाटा सेज दैट यू हैव स्टडीड हिस्ट्री आल्सो। यस सर, आई हैव स्टडीड हिस्ट्री एज अ जनरल सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। उतना बोलने जरूरत नहीं है। यस सर, आई हैव स्टडीड हिस्ट्री। कैन यू टेल मी हु सिराजुद्दौला वाज एंड व्हाट वाज हिज पीरियड? सिराजुद्दौला वाज द ये आई कांटेक्ट होल्ड ऑन, सुनाई दे रहा है, आई कांटेक्ट टूटना नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं देखना है, ये सब बता रहा है, जैसे ये एक्टिविटी आपकी बता रही है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है। चलो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंस यू हैव कम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कैन यू नेम ए फेमस पर्सनालिटी हुज नेम इज entered in Indian history from your district or sir, your hometown? Sir, my from my hometown, the Bankim yes. Chandra Chattopadhyay. The Bankim Chandra? हाँ sir. The Bankim Chandra तो नहीं होगा, ध्यान रखना इन चीजों का। Bankim Chandra Chattopadhyay? एकदम नहीं घबराना है, सुनो बता रहे हैं। आपको यह सोचना है कि मैं ये ना चुल दे, ठीक है? एकदम सरल होके बैठना है। आपको यह सोचना है कि जैसे भैया से बात करती हैं आप, ठीक है, या घर में कोई मेहमान आता है उससे बात करती हैं, कॉलेज जाती हैं तो आप अपने प्रिंसिपल या प्रोफेसर से कैसे बात करती हैं? कोई भूत थोड़े बैठा है सामने, ठीक है। चलिए फाइन। चूंकि नंदिनी आपने एमए हिंदी से भी किया है, हा ना? हाँ बिल्कुल। क्या आप मुझे बता सकती हैं किसी ऐसे रचनाकार का नाम जिसने हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी रचना की हो, भारतीय भाषाओं में? सर रविंद्रनाथ टैगोर, उनने हिंदी भाषा में भी रचना की और बांग्ला भाषा में भी रचना की। और कोई? प्रेमचंद, उन्होंने हिंदी भाषा में भी रचना की और उर्दू भाषा में भी रचना की है। और कोई? सर अभी याद नहीं आ रही है मुझे। चलिए तीन नाम तो याद कर लीजिएगा, सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सर एक और नाम है, एक और नाम है सर विद्यापति, उन्होंने बांग्ला में भी रचना की है, हिंदी में भी रचना की है, मैथिली भाषा में भी रचनाएं की है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आपके स्टेट की बात करे कोई और फिर प्रश्न किसी साहित्यकार का पूछे इस तरह का, तो आपको उस साहित्यकार का नाम लेना है जो बंगाल से भी बात किया हो और अन्य भाषाओं में भी किया हो, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर भी तीन भाषाओं में लिखे हैं, अंग्रेजी में भी लिखा उन्होंने। भानु सिंह ठाकुर नाम से वो लिखा करते थे, भानु ठाकुर नाम से मैथिली में लिखा करते थे बंगला में लिखने से पहले, ठीक है। चलिए ठीक है। अब नंदिनी टेल मी 5 points about you, why we should recommend you for this job? Sir, the first point is, why should we recommend you for this job? The sir, the first point is, I am eligible for this post
as I completed my master's in Hindi and English as a subject. And sir, second, I can work in this sector. याद रखना इस पे आप लोग जितने लोग हैं नोट कर लें ये पॉइंट, ठीक है? इंप्रेस होने की जरूरत नहीं, नहीं आएगा तभी तो हम सिखाएंगे, आप सभी लोग ये पॉइंट नोट कर लेंगे, ठीक है? चलिए नंदिनी, चूंकि आज हम सिर्फ पर्सनालिटी राउंड पे बात कर रहे हैं, ठीक है? नंदिनी आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ 5 लड़कियां और आई हुई हैं इंटरव्यू देने, 5 लड़कियां और आई हुई हैं, आप किसको चाहेंगी कि हम रिकमेंड करें? सर मैं साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इस तरह का प्रश्न वहां पूछते हैं। हाँ सर, मेरे साथ 5 लड़कियां आई हैं और उनमें से मुझे छोड़कर अगर आप रिकमेंड करना चाहते हो सब, अगर मैं उसमें इंक्लूड हूँ तो सर सबसे पहले मैं अपने आप को बोलना चाहूंगी। मैं मुझे छोड़कर तो बोलने के लिए नहीं बोला, ठीक है? हाँ सर, मैं अपने आप को रिकमेंड करना चाहूंगी। नहीं मैं चाहूंगी पांचों को ले लिया जाए, पांचों को ले लिया। आप क्यों बोलेंगे कि वो छोटकी नंदिनी, बड़की नंदिनी या ये वो, पांचों को ले लिया जाए? मैं चाहूंगी पांचों को। क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, नहीं मुझे लगा ना कि अगर हम बोल देंगे कि किसी और को किया जाए तो बोला जाएगा कि आपको क्यों करे फिर, इसलिए नहीं। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? पांचों को क्यों, जब ऑप्शन दिया जा रहा है पांचों को नौकरी दीजिए, ठीक है? चलिए आप ऑफ कर लीजिए, नेक्स्ट नंदिनी साहब, इसके बाद पायल को बुलाऊंगा मैं। हाँ नंदिनी वीडियो ऑन करें। हाँ सर वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है? नहीं नहीं क्या सर, ऑन नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हो गया। चलिए हो गया तो सामने है, वेरी गुड। हाँ ये पर्सनालिटी अच्छा लग रहा है आपका। आप मुझे नंदिनी जी अपने बारे में कुछ बताएं। सर मेरा नाम राजनंदिनी कुमारी साहब है, मैं काकीनाडा में रहती हूँ। मैंने अपना स्नातक और प्रस्नातक हिंदी विषय से। होल्ड होल्ड होल्ड, कांकीनाड़ा छोटा सा एक टाउन है, कोई नहीं कांकीनाड़ा जानेगा। मान लीजिए आप कलकत्ता जा रही हैं तो भी आपको बताना है कि जिला जरूर बताना है। सर उत्तर 24 परगना जिले, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना। अब जैसे स्वाति है, स्वाति बेंगलोर में है, बनारस की है, तो वो बेंगलोर में बोलेगी कि मैं लमुहा की हूँ तो कोई समझ पाएगा? नहीं। तो उसको बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के। इसी तरह से आपको अपना पहले राज्य, राज्य के बाद फिर अपना शहर, शहर के बाद टाउन बता सकती हैं, ठीक है? नंदिनी आप अपनी 5 खासियत बताएं मुझे, अपने बारे में 5 अच्छी बातें बताएं। 5 अच्छी बातें, कैमरे पे देखना है, कैमरे पे देखना है, कैमरे पर देखना है, नहीं ऊपर देख रहे, ठीक है? पहली ये बात है कि मैं जो ठान लेती हूँ मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, और जिसमें मेरी रुचि रहती है वो काम करना मुझे ज्यादा पसंद है। तीसरी बात सर मैं थोड़ी जिद्दी हूँ, पर ये नेगेटिव पॉइंट जा रहा है। बोली बोली सुन रहा हूँ, मैं बताऊंगा बाद में, एनालिसिस करूंगा। सर चौथी बात सर मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। ठीक है हो गया, सभी लोग अपनी 5 अच्छाइयां कम से कम लिख के रखना, पूछा जाए या ना जाए अपनी तरफ से मेंटली तैयार रहना है, ठीक है? नंदिनी आप मुझे ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ आपने एमए हिंदी से किया है और 64% स्कोर किया है, ठीक है? आपने 64, अरे जो भी है जो भी हो, मैं देख तो नहीं रहा हूँ ना आप, मतलब मैं बताऊंगा, ठीक है? आपने 64% स्कोर किया है और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप कलकत्ता कौन सी यूनिवर्सिटीज पढ़ी है? प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की कुछ खासियत बता पाएंगे आप मुझे? जी सर, पहली खासियत है कि जो हमारे पहले पूर्व राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो उसी विश्वविद्यालय से उन्होंने अपना किया है कॉलेज, और साथ ही हमारा जो सेमिनार है उनके नाम पर ही है हिंदी सेमिनार। और सर दूसरी बात, राजा मोहन रॉय भी उस कॉलेज से, उनका सर उन्होंने भी पढ़ाई की है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन,
जी सर। आपका विश्वविद्यालय, आपके विश्वविद्यालय का हिंदी के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? चलिए मैं बता देता हूँ। हाँ सर, पहले इसे हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता था। जी सर। और पहली जो एमए की पढ़ाई हुई है प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय से शुरू हुई है। जी सर, 2011 में। उसके पहले नहीं हुआ था? नहीं सर, पहले कॉलेज था और 2011 से विश्वविद्यालय बना है। प्रेसिडेंसी कॉलेज जिसे हिंदू कॉलेज कहा जाता था, जो भी हो इसका यह भी इतिहास रहा। आप देखिएगा, शायद पहले जो अंग्रेज थे जिन्होंने एमए हिंदी की शिक्षा की थी, कुछ है। आप एक बार हिस्ट्री इसका देख लीजिएगा, ठीक है? बेसिकली मुझे आप लोगों का बॉडी लैंग्वेज आज देखना था, इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ। कल फिर हम फुल फ्लेज्ड राजभाषा पे चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए कैमरा ऑफ कर लीजिए। नेक्स्ट कौन है? इसके बाद बीना शर्मा जी से बात हो गई मेरी, वंदना साहू, बीना शर्मा, नंदिनी, पायल। पायल माइक ऑन करें, ये कैमरा ऑन करें। आज सिर्फ जनरल राउंड है, घबराना नहीं। मैं सिर्फ बताया ना कि वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका पर्सनालिटी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बॉडी लैंग्वेज, तो मैं उस पर आज बात करने आया हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो नंदिनी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आपकी आवाज। तो फिर पायल अपना माइक ठीक करें। पायल एक बार और ट्राई करिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट और कौन बचा है? पायल के बाद कोई और बची है जिनसे मैंने बात ना किया हो? कोई और बची है बताएं मुझे। हेलो, नहीं सर कोई और नहीं। नंदिनी, दोनों नंदिनी से बात हो गई। पायल वीडियो ऑन करो। पायल हाँ कर ली, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ वेरी गुड पायल, ध्यान रखना है आपके चेहरे पर घबराहट के निशान आ रहे हैं, ठीक है? आप अगर हमारे सामने घबरा रही हैं तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने कितना घबराएंगी, मुझे तो जानती है ना। देखा कभी मेले में सब्जी बेचते हुए? बताया था ना मैंने कि एक लड़के ने बताया था ना मुझे कि बोला अंकल आपको मैंने कहीं देखा है, तो मैंने पूछा बेटा कहाँ देखा है, तो बोला वो मेले में सब्जी बेच रहे थे। ठीक है चलिए आसानी से बैठी। पायल टेल मी अबाउट योरसेल्फ। पायल अग्रवाल, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। मोर हॉबीज क्रिकेट देखिंग। वो जल्दी नहीं बोल गई? हेलो, हाँ मैंने कहा बहुत जल्दी नहीं बोल गई? अरे इतनी घबराहट क्यों? आप आज, आप कल सवेरे अपने बारे में अपनी मम्मी को बताएंगी, समझ लेंगी कि मम्मी मेरी इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, मम्मी को सामने बैठा लेंगी और अपने बारे में कम से कम 7-8 लाइन बोलना है, ठीक है? मम्मी पापा या भाई किसी को बैठा के, कल जब आप 1 बजे मिलेंगी हमसे तो ध्यान रखना मेंटली प्रिपेयर रहना, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिए और कोई बच गया हो जिनसे मैंने बात नहीं किया हो, फिर सेकंड राउंड में शुरू करूंगा। कोई और बच गया है? वंदना साहू जी, आपसे बात हो गई हमारी? जी सर। अच्छा वंदना से हो गई, बीना से हो गई, नंदिनी से हो गई, अगेन बैक टू स्वाति पांडे। हाँ जी सर हो गई। हाँ स्वाति पांडे फिर से आप माइक कैमरे पे आइए। स्वाति हाँ ठीक है, मेरा इसका नेटवर्क लगता है गया है, ठीक है। स्वाति आप मुझे एक चीज बताएं, आप हिंदी अधिकारी के पद के लिए आई हैं, है ना? जी हिंदी सर। अधिकारी का बैंकों में काम क्या होता है, जरूरत क्या है हिंदी अधिकारी की बैंकों में? सर चूंकि मैं बैंक में एक राजभाषा अधिकारी के तौर पे आ रही हूँ, तो हाँ। मूलतः मेरा काम, जैसा कि हमारा भारत का संविधान बताता है कि जो हिंदी का कार्यकाल है, हिंदी का सारा काम। आप जैसे शायद प्रश्न नहीं समझ पाई,
बाकी लोग भी ध्यान देंगे मेरे प्रश्न पर। मैंने आपसे क्या पूछा है? कि मेरा बैंक में क्या काम है? मैंने आपका काम तो नहीं पूछा। राजभाषा अधिकारी का क्या काम है? क्या जरूरत है? मैंने कहा काम और जरूरत में अंतर समझिए। जी, राजभाषा अधिकारी की जरूरत क्या है बैंकों में? सर, जो धारा 3-3 में जो 14 दस्तावेज दिए गए हैं, उन सभी के अनुवाद का जो सुनिश्चित है वो अनुवाद तो कर रहे नहीं हिंदी अधिकारी सर। जरूरत पड़ेगी तो मैं करूंगी, ये मेरा मुख्य कार्य नहीं है, पर जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर करूंगी। और मेरा प्रश्न, होल्ड ऑन स्वाति, होल्ड ऑन, मेरा प्रश्न आप समझ नहीं पाई। मैंने आपसे पूछा कि बैंकों में आखिर हिंदी अधिकारी की जरूरत क्या? हो सकता है थोड़ा और वो बढ़ा के कहें कि भाई बैंक का काम तो मूलतः क्या है, पैसे का लेन देन करना, उधार देना, इंटरेस्ट कमाना, सरकार को डिविडेंड देना, तो इसमें हिंदी अधिकारी की क्या जरूरत है? हिंदी अधिकारी यहाँ रह के क्या करेगा? सर ऐसा प्रश्न किसी से भी पूछा जा सकता है। आप में से और कोई जवाब देना चाहे एज ए वॉलंटियर, मैं आप लोगों की सुन लूं फिर मैं बताऊंगा। सर मैं इसमें कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं बोल दूं? हाँ हाँ बोल लीजिए। सर, हिंदी का प्रचार प्रसार करना और राजभाषा की नीति में जो हिंदी की जितनी भी बातें लिखी गई हैं, उन सभी का सपोर्ट, उन सभी चीजों का समर्थन करना और उसमें मैं बताऊंगा। थोड़ा सा आप नजदीक जाके फिर दूर हट जा रही हैं। और कोई बताएगा? पायल, नंदिनी, वंदना, इस प्रश्न का जवाब कोई देगा? बीना, अरे आप लोग बोलिए, सीखने बैठे हैं ना। हाँ नंदिनी बोलिए। सर पहला है कि सर हिंदी का विकास करना, अगर हम वीडियो ऑन करके जो भी, आप सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, बेटर रहेगा, तो बार बार मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। हाँ चलिए सर। हाँ, पहला है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे, साथ ही अगर हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ पे अहिंदी भाषी दे नहीं हुआ और हिंदी नहीं, हिंदी तर भाषी बोलेंगे। नंदिनी आप बोलो। नंदिनी पायल तैयार? जी सर। पायल बनना, आप लोग वीडियो ऑन करें। हाँ बोलिए नंदिनी। धारा नहीं, अनुच्छेद 351 के अनुसार एक राजभाषा अधिकारी और हिंदी अधिकारी का ये काम होता है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे। नहीं नहीं, नेक्स्ट। बिना माइक ऑन करो। चलो वंदना आप बताओ। वंदना जी सर, बिना वो वीडियो ऑन कर लीजिए। वंदना आप बताइए इस प्रश्न का जवाब। आवाज नहीं आ रही वंदना आपकी। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? हेलो, एक मिनट वंदना सुने। हाँ वंदना बोलिए। जी सर, सर जैसे संविधान के अनुच्छेद 351 में कहा गया है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, जब उसका विकास करना, तो यह नहीं नहीं, नहीं। आप एक स्टेप आगे बढ़े, ठीक है बिना आप बताइए। बिना गायब हुई। पायल बोलो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। मैंने पूछा कि बैंकों में हम लोग तो भाई व्यापार करते हैं, पैसे लेन देन, सरकार को डिविडेंड देना, तो हमारे यहाँ हिंदी अधिकारी की क्या जरूरत है? सर हिंदी अधिकारी, सर हिंदी भाषा का प्रसार करना सर, और तक शब्दावली का निर्माण सर। चलिए बिना आप बताएं, मैं बता रहा हूँ, सब पूरा हूँ, घबराने की बात नहीं। बिना आप बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। भारत का एक संविधान पता है आपको, सबको पता है ना? जी हाँ या ना? जी सर। भारत का जब संविधान बन रहा था तो भारत का एक झंडा है, पता है आप लोगों को? जी, भारत का झंडा है। तो भारत की जो भाषा है, भारत के संविधान में यह लिखा गया है कि भारत की राजभाषा, सरकारी कार्यालयों में कामकाज की जो भाषा है वो कौन सी होगी? राजभाषा क्या होगी? हिंदी। हिंदी होगी। और भारत की जो राजभाषा होगी उसके कार्यान्वयन और क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन आप कह सकते हैं, ठीक है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भारत के हर सरकारी कार्यालय, बैंकों में और जितने पीएसयू हैं, पीएसयू को क्या कहते हैं? पीएसयू को हिंदी में क्या कहते हैं? जितने उपक्रम हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जितने भी उपक्रम हैं उनमें राजभाषा नियम यह है, राजभाषा का कार्यान्वयन हो,
राजभाषा नीति का कार्यान्वयन हो इसकी देख रेख के लिए यह नियम बनाया गया है कि हर सरकारी कार्यालय में जहां पर 50 तक कार्मिक हैं वहां एक हिंदी अनुवादक, 50 से 75 हैं वहां दो हिंदी अनुवादक, और जहां 75 से 100 अथवा 100 से ऊपर हैं, 100 से अधिक हैं वहां एक हिंदी अधिकारी भी नियुक्त किया जाए। और मूलतः संवैधानिक दायित्व है हर कार्यालय का, अपने कार्यालय प्रधान का यह दायित्व है कि अपने कार्यालय में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए या जो राजभाषा नीति है उसके कार्यान्वयन का भार उठाए, उसके कार्य में सहयोग के लिए, बैंकों में विशेषकर उसके कार्य में सहयोग के लिए राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है। क्लियर है, मेरी बात समझ पाए आप लोग? जी ठीक है। आपको उसको कहना है कि यह तो संवैधानिक दायित्व है कि राजभाषा का कार्यान्वयन तो और राजभाषा क्या ऑफ कर रही है, कर लीजिए, तो यह पायल आप भी ऑफ कर सकती हैं। ठीक है, तो यह जिनको आवश्यकता ना हो ऑन रखें, मैं जस्ट वो आई कांटेक्ट आपका देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपका यह दायित्व है कि एज ए प्रशासनिक प्रधान कि आपके कार्यालय में राजभाषा का कार्यान्वयन हो, तो उसके लिए आपको एक विशेषज्ञ रखना पड़ेगा ना, उसके लिए राजभाषा अधिकारी का ये संवैधानिक निर्वहन है। नहीं तो कब का निकाल के फेंक देते, बोलते हमको नहीं चाहिए राजभाषा अधिकारी। ठीक है, देख लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा अंदर घुसता हूँ, आप में से मुझे कौन बताएगा, हैंड्स अप करेगा, आप में से मुझे कौन बताएगा कि कार्यालय में राजभाषा के देख रेख के लिए राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति के लिए कौन सा नियम है या कौन सा अधिनियम है या अधिनियम का कौन सा हिस्सा है? नोट करें, पॉइंट नोट करिए आप लोग जो मैं बता रहा हूं, नोट करते चलिए। तो मैं कैमरा ऑफ कर देता हूं। हाँ कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप कैमरा ऑफ कर सकती हैं। ठीक है, नहीं सर, अगर मैं आंसर दूंगी तो सर कैमरा ऑन करके। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई दिक्कत। प्रश्न लिख लिया आप लोगों ने, आपको यह प्रश्न लिखना है कि कार्यालय में राजभाषा अधिकारी या हिंदी का हिंदी के जो कार्मिक हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है, यह अनुच्छेद आप ढूंढिएगा। ठीक है, चलिए आप सभी लोग थोड़ा सा राजभाषा पर चर्चा कर लेते हैं, अभी 15 मिनट समय है मेरे पास। स्वाति पेन नहीं खाना इंटरव्यू के दौरान, ठीक है, बिस्किट उस्किट खा सकती है, अलाउड है। मुझे एक चीज बताएं, राजभाषा नियम क्या है, नियम कौन सा है? राजभाषा नियम 1976। वेरी गुड, 1976 का नियम 10(4) क्या कहता है बैंकों के बारे में? सर बैंकों के विषय में यस, बैंकों के विषय में जानना चाहता हूँ। नियम 10(4) नोट करें आप लोग डायरी में, प्रश्न नोट करिए। नंदिनी नोट करो, ये सोचने में ही समय बिता रही है। नोट किया आप लोगों ने नियम 10(4)? बताएं 10(4) में क्या लिखा है सर? जो राजभाषा विभाग की वेबसाइट पे पढ़ा है वो बता देती हूँ, बट ये नहीं पता कि वो स्पेसिफिकली बैंक के लिए क्या बोलता है। कोई भी जो कार्यालय होता है उसमें कार्मिकों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान अगर 80% कार्मिकों को है तो उस कार्यालय को कार्य साधक ज्ञान के कार्मिकों का माना जाएगा। और जो और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जो अधिकारी है वो राजपत्र में अधिसूचित करेगा कि ऐसे कार्यालय हिंदी कार्य साधक ज्ञान के कार्मिकों को हिंदी कार्य साधक का ज्ञान प्राप्त है। और नहीं, अगर नहीं है तो भी अगर संख्या घट जाती है तो जी कौन बोला है? हाँ बताइए सर। जिन्हें हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है उनका राजपत्र में नाम अधिसूचित कराया जाएगा। मैं बता देता हूँ जो नियम 10(4) है, नियम 10(4) यह कहता है कि यदि कार्यालय में
सर वॉइस फ्लक्चुएट कर रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए आवाज आ रही है अभी? जी ठीक है, मैं दूसरा वीडियो ऑन कर लेता हूँ। देखिए नियम यह कहता है कि यदि कार्यालय में 80% से अधिक लोग कार्य साधन ज्ञान रखते हो तो कार्यालय को अधिसूचित करवाना पड़ता है। अधिसूचित का मतलब होता है कि भारत सरकार के गजट में सूचित करवाना, आपके कार्यालय का विवरण प्रकाशित किया जाता है कि आपके कार्यालय में 80% से अधिक लोग हिंदी का कार्य साधन ज्ञान रखते हैं। फोन हैंग कर गया। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कार्य साधक ज्ञान है तो अधिसूचित कराना पड़ता है भारत सरकार के राजपत्र में, राजपत्र मतलब गजट में। अब जब आप अधिसूचना के लिए लिखेंगे, मान लेते हैं आपको जो भी बैंक मिला, मान लेते हैं नंदिनी को यूनियन बैंक मिला कलकत्ता का, उसकी मुख्य शाखा अधिसूचित है, तो ऐसी शाखा में क्या क्या करना होता है, दस्तावेज क्या लागू होता है भाई? नहीं ध्यान आ रहा है? बैंक में आप है ना, आप बैंक के परिपेक्ष में सोचें कि बैंक में क्या क्या काम होता है, क्या क्या काम होता है बैंकों में? नंदिनी क्या क्या काम होता है बैंक में? सर लोन देना, सर पत्राचार, पैसा जमा कराना, और स्वाति स्वाति क्या क्या होता है बैंक में? सर बैंकों का जो मूल काम होता है वो होता है लोगों का जो जमा है उसको स्वीकार करना और उनको लोन देना, और जो मूल डेफिनेशन है वो यही है। और बैंकिंग की जो नेक्स्ट कोई नेक्स्ट और कोई, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए बैंक का सबसे पहला काम है कि बैंक में कोई पैसा जमा करता है या निकालता है, पहला काम होता है ना। हम बैंक किस लिए जाते हैं, पैसा निकालने और जमा करने? तो पैसे निकालने का मतलब जो विड्रॉल फॉर्म होता है वह अगर कोई हिंदी में लिख करके देगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे, अगर अधिसूचित है शाखा तो। उसके बाद क्या होता है, दूसरा काम क्या है बैंक में, पैसे निकालने का अलावा हम किस लिए जाते हैं एज ए स्टूडेंट या एज ए आम शहरी, किस लिए जाते हैं हम बैंक में, दूसरा काम क्या होता है हमारा बैंक में? लोन लेना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है कभी आप लोगों ने? हाँ सर डिमांड बनवाया ना, डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट के लिए अगर कोई हिंदी में आवेदन करता है तो उसको हिंदी में बना हुआ डिमांड ड्राफ्ट दिया जाएगा, दूसरा काम हो गया। अगर चाहे ब्रांच में जैसे आप काम कर रही हैं तो या तो कस्टमर की इच्छा पर या फिर आप खुद रिक्वेस्ट करके उसे हिंदी में डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या काम है, अगला काम क्या होता है, अगला होता है पेमेंट ऑर्डर। पेमेंट ऑर्डर क्या होता है, लोकल ब्रांच में होता है। जैसे मान लीजिए आप आईसीआईसी बैंक की कस्टमर हैं, आईसीआईसी बैंक कलकत्ता से चौरंगी से आईसीआईसी बैंक धर्मतल्ला को एक देना है, लोकल में देना है, तो उसको ड्राफ्ट बाहर के लिए जारी करते हैं तो उसे पे ऑर्डर कहते हैं। लिख लीजिए पे ऑर्डर हिंदी में जारी करना, PAY, पे, पे ऑर्डर या पेमेंट ऑर्डर कह लीजिए। लिख लिए उसके बाद लिख लिए आगे बताऊं, एक बैंक वाले दो तरह का कार्ड देते हैं, कौन कौन सा, डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इनके स्टेटमेंट और इनका पूरा विवरण हिंदी में उपलब्ध कराएं। और क्या होता है बैंकों में, हम और आप क्या करने जाते हैं बैंक में, सो फाइनेंशियल मतलब जैसे पैसा निकाला वो तो हो गया, इसके बाद पैसा फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं ना,
एफडी। तो फिक्स डिपॉजिट की जो रसीद है वो हिंदी में जारी करें, वो खाली कीवर्ड लिखते चलिएगा। फिर अगर आपका बैंक में खाता है तो खाते के साथ और क्या मिलता है? बैंक पासबुक के साथ आपको क्या मिलता है? एटीएम कार्ड मिलता है, और क्या मिलता है? एटीएम मिलता है, चेकबुक मिलता है, चेकबुक मिलता है। वेरी गुड। तो चेकबुक संबंधित जितना कम्युनिकेशन है, लिख लीजिए, चेकबुक से संबंधित जितना कम्युनिकेशन है, मतलब पत्राचार, हो गया। उसके बाद एक चीज और होता है, जैसे मान लीजिए आप बैंक में पैसा ऐसा जमा करते हैं तो क्या वो लोग ऐसे थैले में रख के दरवाजे में बंद कर देते हैं? ऐसा करते हैं क्या? करते हैं, आप लोग पैसा जमा करेंगे तो उसका हिसाब किताब कहीं रखते हैं ना, तो कहाँ रखते हैं उसका हिसाब किताब? क्या बोलते हैं उसको? अकाउंट बुक बोलते हैं, लेजर, लेजर, अकाउंट लेजर, लेजर। हाँ, तो जो लेजर है, लिख लीजिए इसको, लेजर में एंट्री हिंदी में होगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद लेजर के बाद, जैसे बैंक में लोग काम करते हैं ना, कर्मचारी, तो जो लोग काम करते हैं बैंकों में, तो कैसे पता चलेगा कि रोज आ रहे हैं जा रहे हैं? तो उसके लिए कुछ पता होगा ना सर, बायोमेट्रिक अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना? हाँ सर। अटेंडेंस रजिस्टर को मस्टर रोल बोलते हैं, मस्टर, लिख लीजिए, MUSTER, मस्टर रोल जो है वह हिंदी में होगा मस्टर रोल, MUSTER ROLL। क्या बोली स्वाति सर? ये जो अटेंडेंस को आप मस्टर रोल बोल रहे हैं, ये हिंदी में होगा या हमें प्रिपेयर करना होगा बिंग राजभाषा? नहीं, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको नियम 10(4) के बारे में बता रहा हूँ कि बैंक में नियम 10(4) के अंतर्गत जो अधिसूचित बैंक है उसमें ये चीज हिंदी में किया जा सकता है, ठीक है। आपको क्या करना उस पर हम बाद में बात करेंगे। मस्टर रोल के अलावा जैसे बैंक वाले चिट्ठी भी तो लिखते होंगे ना, तो चिट्ठी लिखते होंगे तो उसकी कहीं एंट्री होती होगी ना, पति पांडे को भेजा, बीना शर्मा को भेजा, तो उसके लिए रजिस्टर होता है, उसे डिस्पैच रजिस्टर बोलते हैं, डिस्पैच रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद आपने बैंक में खाता खोला तो पासबुक मिला है ना जी, तो पासबुक में एंट्री करवाते हैं, लिखिए पासबुक एंट्री। हाँ सर, हाँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद कस्टमर सर्विस भी होती है ना कुछ बैंकों में, जैसे मान लीजिए आपका एटीएम काम नहीं कर रहा है या नए एटीएम लेने जा रही है, तो कस्टमर सर्विस जो भी है, आप बात करती है ना, ये दबाएं वो दबाएं, नहीं तो गला दबाएं, ऐसे बोलता है ना बैंक वाला, तो कस्टमर सर्विस। अगला लिखिए, फिर जो भी कर्मचारी काम करते हैं वो छुट्टी भी जाएंगे ना, तो लीव लिखिए, लीव ऑफ एम्प्लॉइज। लीव के बाद प्रोविडेंट फंड, पीएफ, प्रोविडेंट फंड। सर, लीव ऑफ एम्प्लॉइज कैसे लेते हैं जो होता है ना सर, लीव ऑफ एम्प्लॉइज का? सुन नहीं पाए बिना, फिर से बोलिए। सर, लीव ऑफ एम्प्लॉइज जो लेटर होता है सर, कहीं आवाज हम लोग मिस कर रही है, बाद में बताइएगा, मैं सुन नहीं पाया, मुझे सुन पा रही है तो लिखते चलिए, सुन पा रही है ना क्लियर? हाँ, मुझे हाँ, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, कंप्यूटर का मेरा स्पीकर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं जो बताता हूँ उसको नोट करते चलिए, फिर कल हम चर्चा करेंगे इसी समय। आगे लिखिए, चिट्ठी भेजी जाती है तो किसमें चिट्ठी किसमें डाल के भेजते हैं? डिस्पैच रजिस्टर। आप चिट्ठी भेज रही है मान लीजिए पापा को, पोस्ट बॉक्स में डाल के भेजेंगे? पोस्ट बॉक्स में। हे भगवान, एनवेलप। ओ अच्छा, एनवेलप, लिफाफा। चिट्ठी लिखेंगे तो कहाँ, ठीक है, तो एनवेलप पर पता हिंदी में लिखना, ठीक है। उसके बाद मैं एक एक दृष्टांत इसलिए दे रहा हूँ कि याद रहेगा आपको। उसके बाद है ट्रेवलिंग अलाउंसेस, TA, कर्मचारियों का ट्रैवलिंग अलाउंसेस से संबंधित विवरण।
उसके बाद है हाउस बिल्डिंग अलाउंसेस, हाउस बिल्डिंग एडवांस, घर और बनाएंगे ना जब नौकरी पाएंगे तो घर के लिए होम लोन लेते हैं, तो कर्मचारी जो है उनके हाउस बिल्डिंग एडवांस का, और बीमार उमार पड़ेगा स्टाफ तो उसके मेडिकल रिकॉर्ड रखने के लिए या उसकी जो भी मेडिकल चीजें हैं, मेडिकल फैसिलिटी, उसका जो रजिस्टर होगा वो हिंदी में होगा। उसके बाद आता है एजेंडा एंड मिनट्स, एजेंडा कार्यवृत्त और कार्य सूची, हिंदी में कहें तो कार्यवृत्त और कार्य सूची, यह हिंदी में होगा। याद रहेगा इतना जी? ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को बताया पर्सनालिटी बेसिकली हाउ टू फेस द चैलेंज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा बताया, एक दिन और बताऊंगा, और अपने बारे में कैसे बताना यह बताया मैंने, और आज एक अंश मैंने राजभाषा अधिनियम से, राजभाषा नियम से छेड़ा है। ठीक है, आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करेंगे, अगली चर्चा में फिर हम और विस्तार से जानेंगे, कोई और प्रश्न हो तो मुझे बता सकते हैं आप लोग, कल फिर हम प्रयास करेंगे इसी समय जुड़ने का। नंदिनी आप ऑफलाइन वालों को बता दीजिए 1 बजे हम बात करेंगे कल, ठीक है नंदिनी? ठीक है सर, मैं बोल देती हूँ। हाँ, ऑफलाइन वालों को हम बता देंगे 1 बजे हम लोग ई टूल्स पे बात करेंगे, ठीक है? ई टूल्स, ठीक है। कोई और प्रश्न हो तो बताएं सर, एक प्रश्न बस, तो ये बोला था सर।